मेरे हाथ की बिरयानी ना पूरे खानदान में मशहूर है अब फ्लेक्सो करना बनता ही है ना भाई यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे पॉपुलर हो गई देख वाली भी ऐसी बिरयानी नहीं बनाते होंगे जो जो आज मैं रेसिपी दे रही हूं। तुम लोगों ने भर भर के इतनी जो रिक्वेस्ट की थी सच में इतनी तबीयत खराब थी ना मेरी बुखार नजला जुकाम सब था फिर भी वीडियो बनाई मैं आज तो बर्गर भी बनाऊंगी ये सोचा था मैं लेकिन यार यारामी की वजह से बना ही नहीं सकी तो बंस को फंगस ही लग गया पता है जब पहली बार बिरयानी बनाई थी ना मैं उस वक्त जुमे का दिन था वैसे वो इतनी अच्छी बनी तो नहीं मगर जब मेरे अबू नमाज पढ़ के आई ना मैंने जैसे ही उनके सामने पेश की पहला नवाला खाते ही तारीफें की जितनी तो कभी मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी की भी नहीं की थी <laughs> मैं तो भाई साथ में आसमान पे चली गई थी तारीफ सुन जी यहाँ पे अपना बार प्रेस कर रही है और अम्मी ने जब तक चावल भी गा दिए थे और सब्जियां भी गा दी थी बिरयानी के लिए और भाई देखो तुम लोग बहुत जज करते हो यार मेरी भाभी भी काम करती है तो देखो आज स्ट्रॉबेरी शेक बना रही है अब मैं तुम्हें बता रही हूँ की अगर लाइक नहीं किया तो मैं कट्टी हो जाऊंगी हाँ स्ट्रॉबेरी शेक बहुत सिंपल से बनता है लेकिन हम इसमें ना थोड़ी डब्बे वाली जो क्रीम होती है ना वो भी डालते हैं वैसे किसी ने मुझे बताया था की स्ट्रॉबेरी शेक हेल्दी नहीं होता ऐसे पिया नहीं करोगे क्या करूँ यार स्ट्रॉबेरी फ्रीज करके रखी हुई पिया तो पड़ेगा ही ना देखो यहाँ अम्मी मेरे कपड़े भी निकाल के लिए और तैयार होके पढ़ने जा रही है वैसे ना क्या मीरा अब आया था ले लेकिन जब मैंने इसको पहनना छोड़ा ना तो, तो इसने कब्जा करके इसको अपनी प्रॉपर्टी ही बना लिया तुम्हारी बहन तुम्हारी चीजों पर कब्जा करती है नहीं कॉमेंट करके बताओ मुझे क्या मतलब ऐसी बहन सिर्फ मुझे ही मिली है क्या शुक्र जा रही है अब थोड़ा सुकून होगा ना घर में पिछले रमजान इस खिड़की में हम इब्बी को लिटाया करते थे अब इब्बी तो बड़ा हो गया है कहीं टिकता ही नहीं है तो उसकी जगह सर लेट रहा है और देखो सैरब ने इब्बी के बचपन के कपड़े पहने हुए है कितना क्यूट लग रहा है ना माशाल्लाह कहो याद तो ना मुझसे हंसा जा रहा था ना बोला जा रहा था मगर मौला हसन की नियाज करनी थी तो फिर मैं उठ के काम करना शुरू हो होकर मेरे की रेसिपी देने वाली हो आज तुम्हारे लिए सारे मसाले एक प्लेट में डाल दूर तो मैं अंदाजा डाल देती हूँ इसी बात पे जल्दी से लाइक करो हाँ कमेंट करना तो भूलना भी मत हाँ अच्छा मैं साढ़े चार कप बिरयानी बना रही हूँ तो तो मसाले का ये हिसाब रखा हुआ है की एक कप के लिए एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच नमक और जब बिरयानी बनाओ लाइटी चली जाती है बिरयानी मसाला मेरा होम मेड है जो की मैं दो से ढाई चम्मच भर कर ले लेती हूँ गर्म मसाला भी होम मेड है और चाय फल का पाउडर लाजम एड करना ये सारे खड़े गर्म मसाले है कड़ी पत्ता लाजम डालना और हाँ चार जीरा भी एड करना है और आपको दिखाना ही भूल के यानी कि बात का फूल देखो अगर बिरयानी तुम्हें ऑयल का हिसाब करना आता है ना तो ऐसे खिले खिले चावल बनेंगे और अगर नहीं आता तो फिर समझ सकते हो कैसे ही बनने वाली है सत्तर मरतबा बताया है कि पहले ऑयल में खड़े डाल के भूनो और देखो क्या ही हालत हुई थी मेरा पूरा छीटे मुंह में आ गए बिल्कुल समझो आग के पास फिर इतनी जलन मच रही थी ना पे, मैंने फटाफट इस पे कोकोनट ऑयल वाला अगर तो नहीं मलती यार समझो तुम लोग मेरे छाले पड़ जाते मोटे मोटे खड़े मसाले के बाद फोरन से प्याज दादा थोड़ी प्याज बचा लेना क्योंकि हमें इसका बगार भी लगाना है मोस्टली यार क्या हो रहा है तो देखो साढ़े चार कप चावलों में ना मैं भूल बिल्कुल जरा सफर करो पहले ये देखो कि प्याज भूनते भूनते दूसरा गाल भी जल गया पूरा मुंह तेल लगा के ऐसा चिकना चिकना हो गया था ना कि मुझे क्रीम की भी जरूरत नहीं यार अच्छा क्या बता रही थी कि मैं साढ़े चार कप चावलों में अगर प्याज छोटी हो तो फिर मैं चार डाल देती हूँ बड़ी हो तो फिर तीन ये जुमला मुझसे कब से बोला नहीं जा रहा था भाई अब लेसन अदरक का पीस डाल के भून लो उसके बाद ना मैं टमाटर डालती हूँ बहुत से लोग चिकन डाल देखो मैंने तो हाफ साइज में सो कट करके डाल दिया है ताकि छिलका ऊपर आ जाए फिर मैं निकाल तुम लोग पता क्या करना है जब खड़े मसाले डाल रहे हो ना उससे पहले ही फ्राई करके निकाल लेना टमाटर को फिर छिलका उतारना अब मैंने सोचा की यार

आलू डाल दिए वो भी बड़े बड़े साइज के कटे हुए क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता आलू है आलू को अच्छी तरीके से भून भानने के बाद अब डाल दो अपनी चिकन इसको बस हल्का सा आपने भूनना है और पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको गला लेना अब सबसे है लोग ना चावल पहले उबाल उबाले जब मुझे पता होता है ना कि चिकन तो बस गलने गल तो मैं फौरन चावल पहले से बॉइल होते हुए पानी में एड कर देती हूँ फिर दस मिनट लगते चावल बोलने में सेवेंटी परसेंट ज्यादा मत कुक करना वरना तो चावल टूट जाएंगे अब तेल लगाने के लिए हमें चार चीजें चाहिए देख लो जरा हरी मिर्च टमाटर प्याज और धनिया बोधी चावल उबालने का तरीका अगर सही ना हो ना तो चावल हमेशा दम लगाते समय टूट जाते हैं चाहे फिर आप कितना भी लंबा से लंबा चावल यूज कर लो अब मैं एक सालन वाला फुल भर के चम्मच ऑयल का डालती हूँ उसमें प्याज डाल के फ्राई करती हूँ याद रखना कि हमने सालन में भी ऑयल डाल साढ़े चार कप चावल है तो मेरे भर भर के साढ़े तीन चम्मच जो सालन वाला रखा हुआ है ना ऑयल के डाल बगार और सालन दोनों में मिला लगाने की सबसे मेन टेप ये की आपके चावल फुल स्टीमिंग हॉट गर्म होने चाहिए और आपका सालन भी गर्म अगर तुम लोगों ने सालन बनाने से पहले चावल बॉल करके रखे होंगे ना तो इस टाइम पे चावल तो ठंडे हो चुके होंगे जब तुम लोग दम लगाओगे ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और बहुत टाइम लगता है स्पेशली चिकन और ज्यादा टेंडर हो जाता तो देखो तीन बिरयानी तेवली का फायदा क्या है की हर जगह चावलों में मसाला बैलेंस आता है और आपको टेस्ट भी अच्छा फील होता है हाँ भाई ये तो मैंने खुद से ही सीखी है मुझे नहीं आकर पहले एक चावलों की थोड़ी सी लेयर्स के बाद सालन की फिर धनिया पुदीना हरी मिर्च टमाटर फिर एक चावलों की बिल्कुल इसी तरह आपने दो लेयर्स और लगा देखो तह लगाने का बिल्कुल सही तरीका क्या है की आपके चावल और सालन दोनों ही स्टीमिंग हॉट होने चाहिए बाहर वाली बिरयानी है इसीलिए पूरी कलरफुल और येलो येलो क्यों होंगी क्योंकि वो नीचे वाली जो चावल की तह लगा उसमे भी जर्दा रंग डालते हैं ताकि आलू और चिकन को भी जर्दा रंग के साथ ही बॉईल करते हैं ऐसे मैंने बहुत बार बनाई भी है लेकिन है। है। बार यहाँ पर देखो आप ही जर्दा भी बना रही है साथ। कि हमारे घर में ना राइटे से ज्यादा जर्दे के साथ बिरयानी मिला के खाई जाती है अब बिरयानी को दम देने के लिए ना तवे को फैले गर्म करना उसके बाद अपना पतीला ऊपर रख देना ऊपर से हैवी वजन भी पे दम दोगे और फिर अगले पांच मिनट या फिर दस मिनट तक यानी कि मीडियम टोटल समझो पंद्रह मिनट का दम आएगा और जब तक दम आ रहा है मैंने कहा आप ही से रायता भी बना लो बड़ा दिल कर रहा था यार सब्जी वाला रायता खाने का, का तो आप ने हरी मिर्च के साथ जीरे को कूट लिया मैं कभी भी ऐसा नहीं करती जीरा नहीं डालती हूँ हरी मिर्च धनिया पुदीना बस और एक टमाटर का ना आधा हिस्सा डालती है मतलब रेड वाले टमाटर में डाल देना वरना तो फिर रायता लाल हो जाएगा सही है मैंने जो यहाँ बर्तन गंदे किए थे भाभी वो धो रही है अम्मी हरी मिर्चों को पीस रही थी अच्छा बैक टू द रायता धनिया पुदीना हरी मिर्च और जो हल्का सा टमाटर आप लोग कूटोगे ना फिटेट में दही में एड करना थोड़ी सी काली मिर्च और नमक एड करके मिक्स कर लेना रायता पाउडर हो तो वो भी डाल देना बड़ा वैसे मुझे ना बिरयानी के साथ लौकी कराई थी तो ना पसंद है लेकिन फिर यार लौकी बॉइयल करनी पड़ती है ना फिर मम्मी मना कर दी थी बहुत टाइम लग जाएगा छोड़ दे मुंता। जर्दा आप ही साथ साथ रेडी कर रही थी और रायते के लिए बस यहाँ पे प्याज काट ही रही थी फिर जर्दे को ऐसा कुछ कुछ होने लगा तो आप ही ने कहा आके प्याज काट दो मैं देख ला हो हाउ स्वीट पंजाबी मेनू बड़ी अच्छी बोलनी आंदी है मुझे अब लगने लगा है और यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ की मेरी हालत बहुत पतली हो गई है इतनी सी भी जान नहीं रही थी मेरे अंदर की मैं आगे और कुछ काम कर सकूँ भाई यहाँ भाभी टेबल लगा रही है सबके लिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने भाई आप लोगों को अपनी सारी रेसिपी बता दी है मैं इतना ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ ना क्योंकि सबने ना कमेंट में भरमार लगाई हुई थी कि रेसिपी बताओ तो बस फिर आ गई है यहाँ देखो आप ही जर्दा बना रही है और मेरी बिरयानी को दम आ चुका था मैंने कहा कि आप ही बस तुम खोल के दिखा दो हिलाना मत हिलाओ मैं खुद नेबर से आई थी और यहाँ देखो जर्दा का सामान भी रेडी है अच्छा एक बात बताती बिरयानी के अगर चावल भले टूटे भी ना होना अगर आपको सही से बिरयानी निकालना ना आती हो तो निकालते समय ही चावल टूट जाते तो इसीलिए फिर साइड से आपने चम्मच मार के बिरयानी को निकालना बीच बीच में मारोगे तो चावल टूट जाएंगे जैसे कि मेरे औोला हसन की हमने न्याज दी उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर फातिहा कर ली आज तीन तरह के फ्रूट्स थे शेक था और जो बिरयानी आपके सामने बनाई है बस यही मैं सकता होने में बस थोड़ा सा था था। फटाफट फातेहा करी यहाँ पर देखो हमारे यहाँ ना हर साल तमाम ओला इमाम हसन वगैरह सबकी न्याज होती है हम किसी भी साहबा अम्बिया की न्याज नहीं छोड़ते हैं और सची बता रही हूँ यार इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी ना अगले दिन भी मैंने इसको सहरी में अफ्तारी में दोनों दफा खाई थी और स्ट्रॉबेरी शेक तो इतना यमी बना था ना सबसे पहले मैंने उसको ही पी लिया से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को रमजान की बरकतें रहमतें देखना नसीब फरमाए और अगला रमजान भी इसी तरह से दिखाए और बस मैंने यहाँ पर इफ्तारी की शेख पीने के बाद मैंने फटाफट से बिरयानी पे हमला किया और अपना फेवरेट आलू निकाला <laughs> क्योंकि देखो बिरयानी में चिकन हो या ना हो मुझे आलू बहुत पसंद है और चिकन तो देखो मैंने मैं खाई भी नहीं थी साथ में रख तो ली है लेकिन मुझे आलू बहुत पसंद है बिरयानी भाई सारी जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है मुझे बस एक बात बता दो कि कौन है वो लोग जो आलू के बगैर बिरयानी खा लेते हैं और बड़े मासूमाना अंदाज में बोलते हैं कि बिरयानी में आलू कौन डालता है भाई हाँ मैं डालती हूँ यार मेरा फिर से दिल करने लग गया मैं फिर बनाऊंगी हाँ आप ही ने तो भाई खूब मजे से खाई थी हर किसी ने तारीफ करी मेरा तो दिल ही खुश हो गया तो चलो तुमसे मिलूंगी दो दिन बाद बाय